हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम डिस्कसिंग बिर्च रिडक्शन. व्हाट इज बिर्च रिडक्शन? दिस इज अ रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. हियर आई हैव टेकन सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विच इज़ बेंजीन, एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, एंड वी हैव टू यूज सम प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट, एंड मोस्टली वी हैव यूज इथेनॉल और सम अदर अल्कोहल लाइक मिथेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल. ठीक. और होता क्या आपका, द रिडक्शन ऑफ दिस बेंजीन टेक्स प्लेस एट 1 and 4 पोजिशन. कहाँ पर होता आपका? 2 हाइड्रोजन एडेड एट 1 and 4 पोजिशन. ठीक है. मीन्स यदि एक यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर को होगा तो दूसरे हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर. सो ये जो एडिशन है वो क्या होता आपका, 1-4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक. तो क्या हुआ, बेंजीन था आपका, हम जानते हैं बेंजीन क्या होता आपका, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड. तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे यहाँ पर और यहाँ पर. तो देखो पहले क्या था, फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6. ये 6 कार्बन है और हर कार्बन में एक एक हाइड्रोजन होता है, दिखाने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन जब 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, तो कार्बन नंबर 1 में नाउ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके, 2 हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हम शो करते हैं 1 हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी था, ये हाइड्रोजन ऐड हो गया किससे, बिर्च रिडक्शन से. और ऐसे ही 4 पोजीशन में भी हो गया आपका, यहाँ पर पहले से एक था, एक और ऐड हो गया, तो देयर आर 2 हाइड्रोजन एट दिस कार्बन एटम. और जो रिएक्शन दी गई है बेंजीन को साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट करने की, दिस इज गिवन बाय ऑर्थर बिर्च. ठीक है. जो एक ऑस्ट्रेलियन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताई है. तो जो ये रिएक्शन है उनके ऑनर पे इनको क्या कहा जाता है आपका, बिर्च रिडक्शन नाम दे दिया गया. ठीक है. तो बिर्च रिडक्शन क्या है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन होता है. सोडियम की जगह लिथियम अगर अभी यूज़ किया जाता है तो सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है लिक्विड अमोनिया किया जाता है. और क्या करता है, कोई प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल जनरली यूज़ किए जाते हैं, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल, ये यूज़ किए जाएंगे. और होता क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होते हैं कौन सी पोजीशन पे, 1 और 4 पोजीशन पर. एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो दूसरा यहाँ, या एक ऐसा कहेंगे यदि एक यहाँ पर ऐड होगा तो दूसरा यहाँ पर ऐड होगा. ठीक है. तो ये जो रिडक्शन है वो क्या कहलाता है आपका, बिर्च रिडक्शन. और क्या बनते हैं, साइक्लोहेक्साडाइन बनते हैं. ठीक है. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ बिर्च रिडक्शन, क्या है इसकी मैकेनिज्म है ये देखते हैं. तो यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है, जो सोडियम मेटल है उसको जब हम क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या करता है, अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. ठीक है. ये क्या दिख रहा है आपका, NaNH3 का होल X प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. और जो ये सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है आपका, इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. कैसा होता है आपका, इंटेंस ब्लू कलर का क्या हो जाता है सॉल्यूशन. तो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो सोडियम क्या दे रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. ठीक. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है आपका, बेंजीन का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर होमोलिटिक फिशन होता है. होमोलिटिक फिशन का देखो आधा एरो दिखाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और वो रिजोनेट होकर 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा. यदि ज़्यादा समझ में नहीं आता तो इस तरीके से आप रफ में कर सकते हैं. ये आपका बेंजीन थी. होमोलिटिक फिशन का मतलब हुआ ये रेडिकल और ये रेडिकल बना, हमने यहाँ पर ऐसे दिखाया. और इसका क्या हुआ आपका, 1, 2, 3 यहाँ पर पहुँच गया. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, इन तीनों में चेंज होना है. 1, 2, 3 जहाँ लिखा है ये रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा और जो बॉन्ड है 1, 2 के बीच में. तो इस तरीके से डाई रेडिकल का फॉर्मेशन होगा. तो क्या होगा, यहाँ पर होमोलिटिक फिशन होगा. तो होमोलिटिक फिशन से यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल ऐसे जनरेट होगा और ये रेडिकल 1, 2, 3 यहाँ पर वो आ जाएगा. ठीक हो गया. जब यहाँ पर ये रेडिकल आ जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है समझ में आ रहा है, ये जो हमने क्या किया था, सोडियम को जब या लिथियम को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते तो इलेक्ट्रॉन उसका बाहर आ गया है, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सोडियम मेटल ने. तो क्या हुआ आपका, ये इलेक्ट्रॉन ये है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है. ठीक है. तो यदि ये वाला कार्बन ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये अभी तक रेडिकल था, अब कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक. और ये कैसा रहेगा, ये रेडिकल ही रहेगा. या और अच्छे से समझना है तो ये इस तरीके का हो जाएगा, ये रेडिकल और ये नेगेटिव. बस यही ये स्ट्रक्चर बनाया गया है. देखो सी ए रेडिकल है और इस सी में क्या है, नेगेटिव. ये हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है इसलिए हम यहाँ पर को शो कर रहे हैं कि कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन है. ठीक. तो जैसे ही क्या बनता है, रेडिकल एनाइन क्या बन रहा है, ये रेडिकल है और नेगेटिव चार्ज क्या हुआ आपका, एनाइन. ठीक. तो जैसे ही रेडिकल एनाइन बनता है तो हमने यहाँ पर को क्या किया था, अल्कोहल यूज़ किया था.
अल्कोहल क्या करता है आपका, अपने में से एच पॉजिटिव दे देता है, ठीक है। हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एच पॉजिटिव, क्या निकल जाएगा आपका, एच पॉजिटिव। और ये एच पॉजिटिव कहाँ पर, ये नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो पहले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, एच पॉजिटिव कहाँ से आया, ये अल्कोहल ने दिया एच पॉजिटिव, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, ठीक। बाकी जैसा स्ट्रक्चर था ऐसे का ऐसा ही रहा, ये डबल बॉन्ड्स अपनी पोजीशन पे रहेंगे, ये रेडिकल अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही एक यहाँ पर आ गया, तो अब क्या करते हैं, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल को भी दे देगा, कौन दे रहा है, ये सोडियम दे रहा है, ठीक है। कहाँ, लिक्विड अमोनिया में सोडियम को डाला, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, अब इस रेडिकल को देगा, तो अब ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अभी तक रेडिकल था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये नेगेटिव को फिर से क्या करेगा, जो अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा आपका, एच पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। कैसे, ऐसे, ये ठीक। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एच पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना देगा, बॉन्ड। सीधे साधे यदि हम इसकी समरी सोचें, तो उसमें क्या होता है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन देता है कौन, सोडियम। सेकेंड में ROH क्या देने का काम करता है, एच पॉजिटिव। थर्ड में फिर से सोडियम क्या देता है, इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ में जो भी अल्कोहल होगा वो क्या दे देगा आपका, एच पॉजिटिव। बस इतना समझना है, ठीक है। तो हुआ क्या आपका, ये ऐसे होमोलिटिक फिशन हुआ, ये डाई रेडिकल ऐसे बना होगा, ये रिजोनेट करके यहाँ आया, 1 2 3 यहाँ पर को आ गया। फिर जब 1 4 पोजिशन पर आता है, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे क्या बनता है आपका, रेडिकल एनाइंस बनते हैं। ये रेडिकल एनाइन में फिर क्या हुआ आपका, जैसे ही नेगेटिव आता है तो ROH पॉजिटिव दे देता है, ROH पॉजिटिव दे देगा तो बॉन्ड बन गया। फिर इलेक्ट्रॉन में फिर इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर नेगेटिव हो गया, फिर इसने क्या दिया इसको, H पॉजिटिव दिया, और ये आपका बन गया, ठीक है। अब दो केस होते हैं, केस वन है जब क्या होता है आपका, ये तो हमने अभी तक जो बात की वो नॉर्मल बेंजीन रिंग की बात की थी। दूसरी चीज़ होती है, यदि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं, तो होता तो 1 4 एडिशन है, लेकिन जहाँ पर सब ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पर होगा फिर आपका, यहाँ पर, ये वाला एडिशन नहीं होता, कौन सा होता है फिर आपका, यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है, तो OCS3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। हमने क्या लिखा है, सोडियम और लिक्विड इन लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, और क्या ले रखा, टर्शरी ब्यूटेनॉल, ये भी अल्कोहल है, तो ये भी एच पॉजिटिव देने का काम करेगा, तो दिस इज़ ऑल्सो ब्रिज रिडक्शन। बट इसमें क्या होगा आपका, जो एच ऐड होते हैं यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वहाँ पर नहीं होंगे, कहाँ पर होंगे, 1 और 4 ये वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन का क्या होता है आपका, एडिशन होता है, ठीक है। या तो यहाँ यहाँ दिखा दो, या यहाँ यहाँ दिखा दो, एक ही बात है, लेकिन इसमें नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पर 1 4 एडिशन नहीं होता। और सेकेंड केस जब क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो उस केस में यहीं पर होता है, ठीक है। जैसे COOH ग्रुप है, COOH कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमने क्या किया, सोडियम और लिक्विड लिथियम का लिक्विड अमोनिया के साथ, और टर्शरी ब्यूटेनॉल ही सॉल्वेंट यूज़ किया है, तो क्या होगा, इस केस में जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन पॉइंट पे होता है 1 4, उसके लिए तो ये है। बस ये एक समझने की बात है कि क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने पर, ठीक है, जहाँ पर ग्रुप है वहाँ पर 1 4 एडिशन नहीं होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है वहीं पर 1 4 का एडिशन होता है। तो ये आपका क्या था, आपका ब्रिज रिडक्शन।